नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बी फार्म और सेवन सेमेस्टर के कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में इंडस्ट्रियल फार्मेसी, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के वीडियोस अपलोड किए हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस, जो सब्जेक्ट है बी फार्म और सेवन सेमेस्टर का, उसकी फर्स्ट यूनिट से, फर्स्ट टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे और एंड तक उसको पूरा कंप्लीट करेंगे आने वाले कुछ दिनों में। हम दो सब्जेक्ट स्टार्ट एक साथ लेके चलेंगे कि जो इंडस्ट्रियल फार्मेसी उसकी 3 यूनिट हो चुकी है, उसकी 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे और इसके फर्स्ट यूनिट को साथ लेके चलेंगे। तो दोस्तों, हॉस्पिटल फार्मेसी या फिर फार्मेसी प्रैक्टिस में अपन को नॉर्मली क्या स्टडी करना है कि जैसे हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कि जो भी हॉस्पिटल का सिस्टम होता है उसके अंदर क्या क्या, मतलब कौन किस चीज़ एम्प्लॉयज का रोल होता है, क्या क्या डिपार्टमेंट उसके अंदर वर्क करते हैं, वो सब कुछ हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। और कितने टाइप्स के हॉस्पिटल हो गए, और इसके बाद जो फार्मेसी है अपना मेन प्रोफेशन है, जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, ऐसी फार्मेसी होती है हॉस्पिटल के अंदर भी, तो हॉस्पिटल फार्मेसी की स्टडी करेंगे। इसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी हो गई, तो मतलब इसमें फार्मेसी ड्रग और हॉस्पिटल से रिलेटेड स्टडी अपन को करनी है, यही मेन इसका ऑब्जेक्टिव है फार्मेसी प्रैक्टिस का। तो दोस्तों इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, अपना प्रोफेशन है, एंजॉय करके इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, तैयार हो जाइए, क्योंकि अपना मेन सब्जेक्ट यही है। वो तो इतने वो नहीं है, लेकिन इसमें अपन को सारी नॉलेज या कंप्लीट नॉलेज अपन को चाहिए, तो अपन इसको डीपली स्टडी करेंगे। सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है तो शॉर्ट में करना पड़ेगा मुझे नोट्स। अगर आपको नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फार्मेसी प्रैक्टिस यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक है हमारा हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कितने टाइप्स के हॉस्पिटल होते हैं, वो स्टडी करना है हमको। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन, टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे दोस्तों। आपको ये नहीं कि कोई टॉपिक मिस हो जाए आपके सिलेबस से, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाएगा जिससे आपको टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी। डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स की डेफिनेशन क्या है, हॉस्पिटल इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, एम्प्लॉयज अलग अलग, नर्सिंग स्टाफ हो गया, फिजिशियंस हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, तो मतलब डिफरेंट एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज एन इंस्टीट्यूट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ टू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करवाता है। किसकी हेल्प से हेल्प प्रोवाइड करवाता है, साइंटिफिक टेक्निक्स हो गई और ट्रेन स्टाफ हो गया, मतलब कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर होते हैं और ट्रेन मेडिकल स्टाफ होता है, उसके द्वारा मतलब जो पेशेंट्स होते हैं उनको हेल्थ प्रोवाइड की जाती है, ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इट इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ टू इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशल साइंटिफिक इक्विपमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन स्टाफ हु आर वेल एजुकेटेड, जो ट्रेन स्टाफ होगा वो वेल एजुकेटेड होगा इन द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस, मतलब जो भी डिजीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं आज के टाइम में, उनसे अवेयर होगा और वेल एजुकेटेड होगा। अब सेकेंड टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं उनको बेस, मतलब कैसे कैसे डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू वर्क, तो देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ स्टे ऑफ पेशेंट, मतलब कि पेशेंट कितने दिन तक रुक रहा है उसके हिसाब से पेशेंट, जैसे शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल, इसमें क्या होगा कि स्टे लेस देन 3 मंथ, जो पेशेंट होंगे 3 मंथ से लेस ही स्टे करते हैं। लॉन्ग टर्म लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल, इट स्टे देन 30 डेज, मतलब इसमें 30 डेज से ज़्यादा तक पेशेंट को रखा जाता है, वो अपनी डिजीज के अकॉर्डिंग होता है कि पेशेंट को डिजीज क्या है। बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल, मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं उनका ओनर कौन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे पब्लिक हॉस्पिटल्स हो गए, वॉलंटरी हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट नर्सिंग होम्स हो गए। थर्ड है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, जनरल हॉस्पिटल्स हो गए, मतलब जनरल जो भी ट्रीटमेंट होता है वो जनरल हॉस्पिटल्स के अंदर हो गए। स्पेशल हॉस्पिटल, स्पेशल मतलब ऐसे कि स्पेसिफिक डिजीज, जैसे हार्ट स्पेशल हो गया, किडनी स्पेशलिस्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे स्पेशल हॉस्पिटल हो गया। टीचिंग का हॉस्पिटल्स, मतलब ऐसे जैसे
हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो MBBS स्टूडेंट होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसे हॉस्पिटल्स हो गए। अब है बेस्ड ऑन कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी मतलब हॉस्पिटल में बेड कैपेसिटी कितनी है उसके अकॉर्डिंग या साइज के अकॉर्डिंग। स्मॉल हॉस्पिटल इसमें आपको बेड होते हैं 100, मीडियम हॉस्पिटल मोर देन 100 एंड लेस देन 300, एंड लार्ज हॉस्पिटल में मोर देन 300 बेड्स अवेलेबल होते हैं। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होगा मतलब तो कौन सी बॉडी जो उसको मैनेज कर रही है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, लोकल बॉडी या फिर प्राइवेट हो गए। सिवा सिक्स है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब जो अपने सिस्टम है 5, 6 जितने भी सिस्टम है मेडिसिन के, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे आजकल आयुर्वेदिक के अलग होते हैं हॉस्पिटल, एलोपैथिक के अलग होते हैं और होम्योपैथिक पे तो आपने देखे होंगे कि न्यू डेवलपमेंट हो रहा है इसका, से पहले इसका था और मैन अपना एलोपैथिक हो गया। अब देखते हैं कि बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस हॉस्पिटल कितने टाइप के, मतलब अपने सिलेबस में 2 टाइप से ओवर ड्राइव किया गया है इनको। जैसे फर्स्ट हो गया क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ क्लिनिकल बेसिस एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल, मतलब क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है। वैसे इनमें जो पहले देखा था हमने वही आएगा पहले वाला क्लासिफिकेशन, लेकिन इसको कैसे कैटेगराइज करते हैं अगर आपको डायरेक्ट पूछ लेगी बेस्ड ऑन क्लिनिकल बेसिस तो आपको क्या लिखना है और बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल बेसिस आपको क्या लिखना है। तो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया जनरल हॉस्पिटल विच क्योर ऑल टाइप ऑफ डिजीज वो इंक्लूड होंगे। तो इसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, मतलब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन से हॉस्पिटल हो, ENT में आ गया ईयर नोज एंड थ्रोट हॉस्पिटल, एंड सेकेंड है आई हॉस्पिटल्स एंड ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स और किडनी हॉस्पिटल्स, मतलब ये बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन हो गए। सेकेंड है बेस्ड ऑन साइलेंट ग्रुप सेवर, मतलब क्या उनके अंदर साइलेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है पेशेंट्स के अंदर। पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स फॉर चिल्ड्रंस, गायनेकोलॉजिकल हॉस्पिटल फॉर वुमन, मैटरनिटी हॉस्पिटल फॉर मदर्स, एंड बेस्ट ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वही जो पहले देखा था हमने, एलोपैथिक सिस्टम है, आयुर्वेदिक सिस्टम है, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा जो भी सिस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग को क्लिनिकल बेसिस में डिराइव किया जाएगा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नॉन क्लिनिकल बेसिस में क्या होगा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल, पहले देखा था कि एक तो पब्लिक कंट्रोल करेगी या फिर वॉलंटरी कंट्रोल होगा या प्राइवेट होगा या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होगा। सेकंड है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव है हॉस्पिटल का, कि जनरल हॉस्पिटल है, आइसोलेशन हॉस्पिटल है या टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल है। थर्ड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, साइज के अकॉर्डिंग हमने बताया था कि बेड साइज कितना होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये होगी, इसमें वो लिख देना। लास्ट का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या फिर वॉलेंट्री कंट्रोल है, तो जो भी है इसके अंदर अपन मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ हॉस्पिटल्स वो देखेंगे, इसके बाद हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कम्प्लीट हो जाएगा और फिर अपन हॉस्पिटल फार्मेसी एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज का लेक्चर कैसा लगा, आगे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, ये तो स्टार्टिंग है सब्जेक्ट की, आगे आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि फर्स्ट में बोरिंग लगता है सब्जेक्ट लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है उसको, और ये सब्जेक्ट तो अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है और इसको तो अच्छे से करना होगा हमें, और थोड़ा लेंथी भी है तो इसको अच्छे से पहले ही स्टार्ट कर दो इसकी स्टडी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।